टू इट्स माई स्टाइल बाय आयशा। आज हम बनाने जा रहे हैं खमीरी रोटियां घर में बिना तंदूर के, और किस तरह से बनाते हैं बहुत ही आसान है और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं रिक्वायर्ड है। वही जो रोटी बनाने का प्रोसेस है, सिर्फ हमने इसको किस तरह से कुक करना है वो आपको मैं बताती हूँ। और हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़ के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए आटा, जो कि ये मैंने ले लिया, ये 1.5 kg आटा है और इसको मैंने छान के ये मैदा है, सफ़ेद आटा बिल्कुल। आपने आटा, इसमें गंदम का आटा शामिल नहीं करना है, ये मैदा है। और 1.5 kg ये मैदा मैंने ले लिया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर, तकरीबन 2 teaspoon मैं इसमें शुगर के ऐड करूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। अब मैं ऐड करूँगी इसमें सॉल्ट और इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए, अब मैं आपको ईस्ट का रेशो ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ काफ़ी वीडियोस में। 1 kg के लिए हमें 1 tablespoon जो है वो ईस्ट चाहिए होता है खमीर करने के लिए। ये मार्केट से बहुत इजीली ड्राई ईस्ट जो है वो, इंस्टेंट ईस्ट जो है वो मिल जाता है, जिसको हम नीम गर्म पानी में डाल के रखते हैं। तो अब मैं इसको नीम गर्म पानी में डाल के रखती हूँ। ये नीम गर्म पानी है, हमेशा मैं आपको बताती हूँ, ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं जो बिल्कुल स्लाइटली गर्म होता है, थोड़ा सा 25 to 30 degrees centigrade पे। उसमें ये इंस्टेंट ईस्ट जो है वो मैं डालूँगी और इसको 5 मिनट तक हम राइस होने के लिए रख देंगे। ये थोड़ा राइस होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से राइस हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राइस करने से, इस तरह पानी में अलग डालने से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये सही राइस हो रहा है और ये आटा जो है वो सही तरह से खमीर हो जाएगा। अब हम इसको डालेंगे ये मैदा जो हमने डाला है, और इसके बाद हम इसको गूंद लेंगे। तो मैं इसमें डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हम इसको गूंद लेते हैं। अब मैंने सारा ईस्ट पाउडर जो था मिक्सचर, इंस्टेंट ईस्ट का, वो इसमें मिक्स कर लिया और अब मैं इसको नीम गर्म पानी से गूंद के तो रखूँगी इसको कम से कम गर्मियों में तो ये 2 से 3 घंटों में खमीर हो जाता है, लेकिन जितना आप इसको ज़्यादा रखेंगे उतना ही अच्छा ये राइस करेगा। सो मैं इसको रखूँगी कम से कम 4 घंटों के लिए, इफ़ यू हैव टाइम। अगर टाइम नहीं है तो फिर ये 2 घंटे में भी आप चेक कर लें, अगर ये राइस हो जाता है तो वेल एंड गुड। इसको गूंदना है और डो बिल्कुल हार्ड नहीं बनानी है, मुनासिब आपकी ना नरम हो बहुत ज़्यादा और ना ही सख्त। मीडियम डो आपने इसकी तैयार करनी है, जिस तरह रोटी के लिए हम तैयार करते हैं। ये आटा तैयार हो गया है, ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ना तो नरम है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है। और इसको मैं रखूँगी अब एक वार्म जगह पर, 2 से 3 घंटों में इंशाल्लाह ये राइस हो जाएगा और फिर हम आपको रोटी बना के। ये आटा जो है ये खमीर हो गया, ये आप देख रहे हैं इसमें बबल्स। अब हम इसके कर लेंगे पेड़े और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम रोटी बनाएंगे। रोटी को इस तरह बेल के, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करिएगा, तवा आपका गर्म होना चाहिए। और इसकी एक साइड पे हम लगाएंगे पानी और उस पानी वाली साइड को हम तवे पे डालेंगे। इसमें जैसे ही आपको बबल्स नज़र आना शुरू हुए हैं, अब हम इसको उल्टा करेंगे और इस साइड से सेकेंगे। इस तरह ही इसको आप सेक लेंगे, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है।